हमारे दोस्तों, हमारे मेंटर, हमारे गाइड एंड द होल्स और प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस वंडरफुल स्टेज, भीड़ में चमकने वाले हीरा हैं आप, लाजवाबों के भी लाजवाब हैं आप। नेवाड़ा पुतमन जी वो अजीम शान शख्सियत है मलाड और मुंबई की, इनकी अजीम शान शख्सियत में अब विनोद कामली जी जोरदार होगी, तालियों की गड़गड़ाहट है आप, जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। नमस्कार मुंबई, छमायला ऐकल येत नाही का कुणाला? नाही खरोखर ऐकल येत नाही आहे मला। नमस्कार, मी परत ऐकल येत नाही आहे दोस्तों, मजा नहीं आ रहा है। मुंबई का नमस्कार, ये जोरदार होना दोस्तों। अरे थोड़ा जोरात बोला की सगळ्यांना वडापाव पाठवू। मैं तो बोले ना तो माझी सटकली। सर्वप्रथम मी सांगेन, मैं 6th महाराष्ट्र प्रेस्टिजियस अवार्ड मैं अंजन जी को, पुटमन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये अवार्ड लेने जीसस मेरे साथ मेरा बेटा आया है, जीसस क्रिस्टियानो। ये अवार्ड मैं डेडिकेट करना चाहता हूं मेरे माँ और मेरे पिताजी को। बहुत मेहनत की उन्होंने मुझे क्रिकेटर बनाने के लिए। एक छोटे छोटे से गांव से आता था, मुंबई में आया, मुंबई में जन्म हुआ मेरा। मेरे पिताजी भी क्रिकेट खेला करते थे और उसके बाद जो जो मेरे गुरु है रमाकांत आचरेकर, उनके लिए भी ये अवार्ड है। क्योंकि मुझे और सचिन को पैदा करने वाले हमारे हमारे खुद के रमाकांत आचरेकर है। और ये अवार्ड मैं कहूंगा ये हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि इंडियन टीम के लिए, भारत के टीम के लिए इतने साल खेलने के बाद बहुत सारे अवार्ड्स मिले मुझे। मैन ऑफ द मैच मिला है, मैन ऑफ द सीरीज मिले, बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड है आप लोगों का प्यार, जो अभी भी कहां भी जाता हूं वो प्यार उम्र के सामने आता है। रिटायर तो हो गया हूं लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, विनोद कामले की लेगेसी ये आगे करेगा। ये भी लेफ्ट हैंडर है, चम्मा आला हापन चौका आणि सक्कर मारणार। सची अंजन जी और पुनम जी, मुझे बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और ये इतने अच्छे अवार्ड के साथ मुझे नवाजा गया है और मुझे सराहा गया। मैं हमेशा ये यादगार रहेगा मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए। और मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। थैंक यू वेरी मच एंड नाइस टू सी यू खली साहब। बहुत बड़े फैन भी रहे आपके, काश आप भी क्रिकेट खेलते तो मजा आ जाता। थैंक यू अंजित। अगर खली जी क्रिकेट खेलते तो मैं, अगर खली जी क्रिकेट खेलते तो मैं जानता हूँ विनोद जी के हाथों से मैं कुछ आर्टिस्टों को देना चाहूंगा। विनोद कामली जी यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट
आए हुए हैं. Now we will be calling upon few of the guests who will be receiving award with auspicious hands of Vinod Kambli ji. पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर दोस्तों खली जी क्रिकेट खेलते मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि शोएब अख्तर ने अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार Thank you so much, Ani. Now I would like to call upon Miss Vandana Sharma. Oh, yeah, now I would like to call it. Oh, she's there. Oh, I've not seen her. Round of applause for Vandana Sharma ji. Now I would like to call upon Sri Samila Khan, a midday newspaper. He will be getting award under the wonderful contribution in the field of media. He is running midday newspaper. Sri Samila Khan. Okay. He is an employee of midday newspaper. Not he's running midday newspaper. There's an outstate what I said it to you. He is an employee of midday newspaper. Sri Samila Khan, a great media protagonist and as well as a wonderful writer. Sri Samila Khan. Now, Maharashtra Gaurav Award, Mr. Manoj Soham. He's an actor and he's getting award under the field of acting. In the contribution of acting, Mr. Manoj Soham will be getting an award, Maharashtra Gaurav Award, and we are happy that we are giving him Maharashtra Gaurav Award. Zona Taliya Hoja Dosto. Shri Pramod Yadav, we are giving him award under the field of media and he is from ABP News and we are happy that we are giving him Maharashtra Gaurav Award. Shri Pramod Yadav from ABP News. क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा ये पहला अवार्ड है जो मैं मेरे बच्चे के साथ आया हूँ और बहुत बहुत ही खुश हो रही हूँ कि बहुत सारे अवार्ड जैसे मिले हैं लेकिन ये मैं कहूँगा कि जैसे महाराष्ट्र प्रेस्टीजियस रत्न अवार्ड है बहुत बहुत खुशी हुई और जैसे मैंने कहा कि मैं अवार्ड अपने माता पिता को अर्पित करता हूँ क्योंकि उनके वजह से मैं कहूँगा कि उनकी वजह से मैं ये मुकाम पर पहुँचा हूँ और मेरे गुरु जी रमाकांत आचरेकर उनकी वजह से मैं ये मकाम पे पहुंचा हूं और जो मेहनत की है तो उसका उसको सराहा गया मुझे तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा तो मैं पहले बार मेरे बेटे के साथ में आया हूं और इतना कहूंगा कि पूरे फैमिली को मैं डेडिकेट करता हूं जिस प्रकार से ये आयोजन हुआ है कहीं ना कहीं बड़ा कठिन काम होता है इकट्ठा इतने लोगों को इकट्ठा करना क्या कहना चाहेंगे उनके लिए नहीं बहुत अच्छा आयोजन किया गया और जैसे कहते हैं कि फिल्म स्टार्स है पॉलिटिशियंस है सोशल वर्कर है सबको सराहा जा रहा है और इतना ही कहूँगा कि फुटमैन साहब ने और जिस तरह से अंजन जी ने ये सब ऑर्गेनाइज किया है बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन सबको सराहना और उनके जो अलग अलग फील्ड में इतने बड़े बड़े लोग हैं और उनको ये अवार्ड्स देना मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी बात है. विनोद जी क्या प्लानिंग चल रही है जी अगर आने वाले दिनों की बात करें आपके प्लानिंग की तो क्या मैं बीजेपी के मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट अभी तो फिलहाल अभी ये एशिया कप है तो जल्द से जल्द आप मुझे टीवी पर देखोगे जो मेरे एक्सपर्ट कमेंट होते हैं तीखे होते हैं लेकिन सच बोलता हूँ तो बहुत बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत अच्छे टूर्नामेंट होने वाले एशिया कप है उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है 2020 वर्ल्ड कप है तो बहुत बहुत मज़ा आएगा ये टाइम मैचेस देखने को. ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि मतलब ये अवार्ड उनको भी डेडिकेट करना चाहता हूँ क्योंकि उनके वजह से क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ
जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो जितना प्यार मुझे मिलता था तो वही प्यार अभी भी उतना ही बरकरार है। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि क्रिकेट पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि उनका पब्लिक और जो मेरे फैंस हैं और उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। और ऐसे ही ऐसे प्रार्थना और प्यार मिलता रहे तो मैं कहूँगा कि मेरा जीवन साकार हो गया।